अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये मेरी पापा हैं, ये डांस कर रही हैं, बहुत प्यारा सा डांस कर रही हैं, बहुत तंग भी करती हैं, डांस कर कर के तो पागल ही हो जाएंगे। आप लोगों ने गेस किया कौन से गाने पर डांस कर रही है, और ये देख अब इधर ना छलांगे लगाई थी, पुठे काम करा लो सु, ये देखें इधर से अब नीचे छलांगे, ये देखें ये गई, इनने लगी थी बिचाली ऐसे, फिर से करेगी इसे ना, इसकी हड्डी का सुकून ही नहीं, ये अब मेमियों के साथ खेलने लग गई है, ये अब टू टू मेमी है, एक तो इससे डर रही है, उसे थप्पड़ लगा रही है इतने जोर जोर के, इतनी चीखे लगाती है, ये इससे दूर हो रही है तो वो भी डरती है थोड़ा थोड़ा सा, पुप्पो भी मेमी उसे डर रही है, उसका दिल है मेरे पास आए वो मेमी, एक तो सजोली ने ऐसे बिठाया वह जैसे कि कोई छापे एक जाने लगे और एक के साथ ही अब खेलेगी, अब देख लिया उसे वो भी ये देख रहे हैं ना, उसके पाँव नजर आ रहे थोड़े हवेली आई हुई। आज हम पूछाएंगे आपको एक पहेली, पहेली का जवाब जैसे आता है सिर्फ वही कमेंट में बताएंगे, पहेली सुने। एक जंगल में एक किसान था, उसके पास एक शेर था, एक बकरी थी और एक घास की मंडली थी, उसने जाना था पुल के पार, मगर पुल के ऊपर तो सिर्फ दो ही बंदे जा सकते हैं, वो तीन, शेर, बकरी, घास और किसान, उनने ये पुल पार करना है तो वो कैसे करेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, जो समझदार लोग हैं सिर्फ वो ही इस पहेली का जवाब देंगे, दिमाग यूज़ करें, उन्होंने दिमाग किस लिए दिया, ये काम कर दिया पहेली बूझ रहे, और तो कोई काम ही नहीं है आप लोग, पर फर्ज करें वो शेर को और बकरी को ले जाता है तो घास तो उसे छोड़नी पड़ेगी, तो वो छोड़ के आएगा तो आके घास लेने के लिए आएगा तो पीछे शेर तो बकरी को खा जाएगा, उसने तीनों सही सलामत चीज़ें वहाँ पर पहुँचानी है, आप लोगों ने गैस करके बताना है ये कैसे मुमकिन है। ये हम चटनी बना रहे हैं, चटनी कूट रहे हैं, ये हम सेवइयां बना रहे हैं रंग बिरंगी सेवइयां, और ये हम इसके अंदर अब दूध डालेंगे, दूध डाल दिया है, ये देखें अब इसको गाढ़ा होने देंगे, ये हमने इसके अब को ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया, गोश्त भी बनाने लगे हैं, अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स हो गया, ये देखें बहुत अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है, ये हमारा दूध और सेवइयां भी तैयार होने लगी हैं, सेवइयां हैं रंग बिरंगी और एक तरफ दूध है एक तरफ पतीला है गोश्त का, दोनों चीज़ें लगातार बन रही हैं, मेहमान बस आने वाले हैं, और ये देखें हमारा दूध बस गाढ़ा होने लगा है, ये देखें बाले आने शुरू हो गए हैं, धुआं भी निकलने लग गया है, और ये बस अब हम इस मसाला डाले हैं, ये देखें कुछ ब्राउन ब्राउन सा डाला है इसने, पता नहीं वो क्या है, ये चटनी हमने कूट की थी है, अब हम ये दोनों चीज़ें तैयार होने लगे हैं, ये देखिए गाइस बहुत मज़ा आ रहा है हमें गोश्त बनाते बनाते, एक तरफ सेवइयां है एक तरफ पतीले में गोश्त है, और ये ज़ैनब है ये बीज डालेगी सारा सामान, ये अदरक है और
लहसुन और अदरक है, एक टमाटर, ये पहले टमाटर डले हैं, 3 हरी मिर्ची हैं, एक अदरक थोड़ी सी ली है, ये गंदा मसाला भी डाल दिया। अब हमें इसको मिक्स करेंगे, बस हमने डाल दिया, अगर बीच थोड़ी लगाएगी आपको ये बहुत अच्छा। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें, हमारी वो देखिए वो सेवैयाँ भी बन बस तैयार होने वाली हैं, ये देखें कितनी प्यारी हंडिया बन गई है, 2 मिनट नहीं लगता और हंडिया और सेवैयाँ तैयार हो जाती हैं। ये मेरा भाई दानिश है, और ये देखें ये भी आया है डोईमार, ये देखिए ये गाड़ी होने लग गई है, ये देखिए अच्छी सी गाड़ी जब होगी उस तरह उस वक्त बन जाएगी। ये गोश्त गोश्त बस बनने वाला है अभी थोड़ी देर तक, और ये हमारी पुप्पो भी आ गई है, नन्ही सी पुप्पो, ये देखिए अब ये देखें गाइस बहुत अच्छे से हंडिया बन जाने लगी है, आपने गेस करके बताना इन सेवैयों का नाम कमेंट में बता दें। और ये मेरा भाई है छोटा सा दानिश, हाँ जी, एक पहेली आपको बजानी थी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती तो है लेकिन खुद वहीं खड़ी रहती है, हिलती भी नहीं, थोड़ी सी भी हिले वो भी नहीं हिलती। आप लोगों ने इसका जवाब कमेंट में बताया, ये मेरे पप्पा हैं छोटी सी आई हैं हंडिया में डोरी लगाने, आप देख सकते हैं हंडिया भी हमारे पास तैयार होने लगी है, ये हम नमक डालने लगे हैं जी, हम अब नमक डालने लगे हैं, थोड़ी सी देर हो लगेगी, हमने बीच मसाले डालने हैं, हरी मिर्चें दादर वाली मिर्ची, दादर मिर्चें डालनी है बीच, जब अच्छी तरह ये देख हम धनिया भी डालेंगे, पानी भी डाला और धनिया थोड़ा सा डाला है, डाला हमारी हंडिया तैयार हो गई है, बाय बाय।